हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरे दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जैन नामी शख्स ने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि अल्लाह पाक अपने नाफरमान बंदों से किस तरह की नेमतें रोक लेते हैं, जबकि मैंने देखा है कि सबके पास खाने पीने और पहनने ओढ़ने की हर तरह की नेमतें मौजूद होती हैं, तो अल्लाह पाक अपने नाफरमान बंदों से कैसी नेमतें छीनते हैं। बुज़ुर्ग ने उस जैन नामी शख्स की ये बात सुनते ही कहा, क्या तुम्हारा नमाज में दिल लगता है? वो नौजवान शख्स बोला, नहीं। फिर पूछा, क्या कुरान पाक की तलावत करते हुए लज्जत महसूस होती है? वो शख्स बोला, नहीं। क्या नेकी करने की तरफ ध्यान जाता है? वो बोला, नहीं। क्या ज़ुबान अल्लाह पाक का जिक्र करने की आदी है? वो शख्स बोला, नहीं। फिर बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, यही है अल्लाह पाक की वो नेमतें जो अल्लाह पाक अपने नाफरमान बंदों से छीन लेते हैं। मौजूदा दौर में हर एक मुसलमान अल्लाह पाक की दी हुई दुनियावी नेमतों को पाकर ये समझता है कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है, क्योंकि मेरे पास तो अल्लाह पाक की दी हुई हर नेमत मौजूद है, जबकि वो नेमतें हमारे लिए आजमाइश होती हैं। असल नेमतें वही होती हैं जो हमें अल्लाह पाक के करीब ले जाती हैं और उसकी इबादत गुजार और उसका शुक्र अदा करने वाला बनाती हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरी लास्ट में वही लाइन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मुझे अच्छी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपका भला करें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, आमीन। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगा अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के फजलो करम से। ओके, खुदा हाफिज़।